हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन टी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट नेचर इज इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि इसके अंदर सारे फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, सारी टेक्निक्स लगती हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसके पास एक अच्छी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अकाउंटिंग की, इकोनॉमिक्स की, स्टैटिस्टिक्स के बारे में उसे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज कर पाएगा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रख सके। सेकंड नेचर इज डायनामिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डायनामिक फील्ड है, यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। जब लगातार यहाँ पे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चेंज होते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी डायनामिक होता है, चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजर आता है उसको चेंजिंग की अडेप्टेबल करने की उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि उसके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि वो मार्केट कंडीशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ईजिली अडेप्ट कर सके, इकोनॉमिक ट्रेंड्स का पता लगा सके, सारी जो रिक्वायरमेंट्स है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल कर सके, ताकि कोई जो कंपनी है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखेगी एक लंबे टाइम के लिए। थर्ड नेचर इज स्ट्रैटेजिक, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर ये क्या करता है, बिल्कुल क्लोजली टाइड है ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से, बिल्कुल टाइड है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ को डेवलप करते हैं, किसको, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज उन्हें यहाँ पे बनानी होती है, और ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज उन्हें बनानी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, ये सब चीज़ें कंप्लीट हो, इसको अचीव करके रखा जा सके, साथ के साथ जो कंपनी की वैल्यू होती है उसको मैक्सिमाइज करके रखा जा सके, ताकि जो एक कंपनी है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सके। फोर्थ नेचर इज क्वांटिटेटिव, यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक क्वांटिटेटिव फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि इसके अंदर सारे मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू कोई भी फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करा जाता है, उसे समझा जाता है, एंड उसी के बेस पे डिसीजन को लिया जाता है। अब इसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि वो इतने एबल होने चाहिए कि वो ईजिली कोई भी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा को सॉल्व कर सके, उसमें से क्या कंक्लूजन निकला उसको इंटरप्रेट कर सके, एंड उसी के बेस पे कोई भी अच्छा खासा फाइनेंशियल डिसीजन वो ले सके। फिफ्थ वन इज इथिकल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इथिकल फील्ड भी होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उन्हें अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि कंपनी का क्या इंटरेस्ट है, कंपनी का क्या बेस्ट इंटरेस्ट है उसके लिए काम करना होता है, साथ के साथ उन्हें स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के लिए भी काम करना होता है। अब इसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उन्हें सारे इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, ताकि जो कंपनी है वो अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करके रख सकेगी एंड क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करके रख सकेगी इन द मार्केट प्लेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो द वेरी फर्स्ट स्कोप इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेता है, सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर कितना हमें फाइनेंस को इन्वेस्ट करना है ये सब चीज़ें वो देखता है, कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजर के पास क्या होता है, एक टास्क होता है, उसे क्या करना पड़ता है, सारे पोटेंशियल रिस्क को पहले से इवेलुएट करना पड़ता है जो भी उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, एंड उस इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाने पर हमें कितना रिटर्न जनरेट हो सकता है ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाद जाकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डिसीजन लेता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट उसके लिए बेस्ट है, जो कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देगी और कम रिस्की हो। नाउ द सेकेंड वन इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली कंपनी की कैपिटल को कैसे रेज करें, उसे कैसे बढ़ाएं, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन है वो भी ईजिली फाइनेंस हो सके, सारी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस हो सके। अब इसके लिए जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उसको इवेलुएट करना पड़ता है, अलग अलग फाइनेंशियल ऑप्शन को इवेलुएट करना पड़ता है, जैसे कि डेप्ट हो गया, इक्विटी फाइनेंसिंग हो गया, एंड उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटिव फाइनेंसिंग ऑप्शन को चूज करता है, जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएटिव हो, जहाँ पे उसे ज़्यादा, जहाँ पे उन्हें कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, जहाँ पे उन्हें कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगानी पड़े और जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके। थर्ड वन इज़ डिविडेंड डिसीजन। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो डिविडेंड डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन लिए जाते हैं कि कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके जाए अमंग द शेयर होल्डर्स के बीच में। अब फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है एप्रोप्रिएटिव डिविडेंड पे आउट। उसको ये सोचना पड़ता है कि कितनी एप्रोप्रिएटिव डिविडेंड पे आउट हमें करनी है, कितना रेशियो हमें अपने स्टेक शेयर होल्डर्स को देना है, ताकि जो इंटरेस्ट है शेयर होल्डर का वो भी बैलेंस हो सके एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो भी बैलेंस हो सके।
फोर्थ वन इज़ रिस्क मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. इसके अंदर बेसिकली सारे फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है, जैसे कि मार्केट फ्लक्चुएशन से अगर कोई रिस्क अराइज हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक ट्रेंड की वजह से, या फिर कोई भी फैक्टर्स की वजह से जो रिस्क एनालाइज हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें स्कोप है उसका. ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं जिससे वो रिस्क को मैनेज कर सकें. यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कोई भी फाइनेंशियल लॉस के कारण, एंड इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फिफ्थ वन इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग. यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं. इसके अंदर सारे फाइनेंशियल डेटा को सबसे पहले तो एनालाइज करा जाता है, समझा जाता है, फिर उसी के बेस पे अलग अलग फाइनेंशियल प्लान्स को डेवलप करा जाते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पर अपने फाइनेंशियल डिसीजन को मेक करना चाहिए. अब फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डेवलप करेगा, बनाएगा, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है, एंड उसी के बेस पे वो फाइनेंशियल रेशियो को एनालाइज करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको भी समझेगा ऑर्गेनाइजेशन की, एंड वो सारी आइडेंटिफाई करेगा एरियाज को जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है.